हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंगली रिइंफोर्समेंट एंड डबली रिइंफोर्समेंट। दोस्तों, आपने बीटेक में या बीई में आपने ये पढ़ा होगा सिंगली रिइंफोर्समेंट क्या होता है एंड डबली रिइंफोर्समेंट क्या होता है। एंड स्पेशली जो डिजाइनिंग इंजीनियर है, जो डिजाइन सीख रहे हैं या फिर डिजाइन ये कर रहे हैं, उनको ये बेटर मालूम होगा सिंगली रिइंफोर्समेंट एंड डबली रिइंफोर्समेंट क्या होता है। बट जब आप साइट पे आप कैसे पहचानेंगे कि सिंगली रिइंफोर्समेंट कौन है एंड डबली रिइंफोर्समेंट कौन है। सो दोस्तों, देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स सी। सो सिंगली रिइंफोर्समेंट एंड डबली रिइंफोर्समेंट, सो ये दो टर्म है। दोस्तों, सिंगली रिइंफोर्समेंट क्या होता है, देखिए ये आपका बीम है, ये आपका बीम है, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस हो गया। किसी भी बीम में ये जो बीम है, एक सिंपली सपोर्ट में बीम लिया हो, सो ये जो बीम है ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है। सो जो ये जो होता है, जो आपका बॉटम न्यूट्रल एक्सिस का बॉटम पार्ट होता है टेंशन जोन, न्यूट्रल एक्सिस का जो बॉटम पार्ट होता है यानी बीम का जो बॉटम पार्ट, वहां पे टेंशन जोन होता है। एंड अपर पार्ट में क्या होता है, कंप्रेशन जोन होता है, कंप्रेशन जोन होता है। सो ये देखिए, ये आपका अपर पार्ट कंप्रेशन जोन है और बॉटम पार्ट टेंशन जोन है। सो सिंगली रिइंफोर्समेंट हम क्या करते हैं कि जो हम स्टील जो प्रोवाइड करते हैं वो ओनली टेंशन जोन में प्रोवाइड करते हैं। सिंगली रिइंफोर्समेंट में अगर हम क्या करते हैं, सिंगली रिइंफोर्समेंट जो बीम है उसमें जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं वो ओनली बॉटम पोर्शन में प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको ये सेक्शन दिखाता हूं, उसमें आपको क्लियरली मालूम चलेगा। सिंगली जो रिइंफोर्समेंट है दोस्तों, वहां पे जो हम स्टील प्रोवाइड करते हैं वो जो ये आपका ये जो स्टील है एएसटी, सो ये जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हम बॉटम जोन में प्रोवाइड करते हैं। अभी आप देखेंगे ये जो दो स्टील ये क्या है। दोस्तों, ये हम जो है सिंगली रिइंफोर्समेंट जो स्टील जो हमारा जो डिजाइन जो हम करते हैं वो सिर्फ हम क्या करते हैं, टेंशन जोन के लिए जो हम डिजाइन करते हैं। ये जो हमारा जो ये स्टील है, ये जो है ये सिंगली रिइंफोर्समेंट में 10 mm बार डायर का होता है, जो कि हम एंकरेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। इसका जो है कंप्रेसिव फोर्स से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हम एंकरेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। हमारा जो है मेनली जो हम सिंगल रिइंफोर्समेंट जो बीम प्रोवाइड करते हैं वो सिर्फ जो है टेंशन जोन के, एक्चुअली जो प्रोवाइड करते हैं वो हम टेंशन जोन के लिए प्रोवाइड करते हैं। बट इन डबली रिइंफोर्समेंट, यहां पर देखिए दोस्तों, इन डबली रिइंफोर्समेंट हम जो स्टील प्रोवाइड करेंगे वो हम टेंशन जोन में प्रोवाइड करेंगे एंड एज वेल एज कंप्रेशन जोन में प्रोवाइड करेंगे। सो डबली रिइंफोर्समेंट में जो है हम जो क्या करते हैं, हम टेंशन जोन में भी प्रोवाइड करते हैं एंड बॉटम कंप्रेशन जोन में भी प्रोवाइड करते हैं एंड दोनों के लिए हम डिजाइन करते हैं। सो दोनों के लिए जो हम डिजाइन करते हैं, जो कंप्रेशन जोन है वो कंप्रेसिव फोर्स के लिए करते हैं और टेंशन जोन में टेंसाइल फोर्स के लिए करते हैं। सो जो ये आपको मालूम चला, सिंगली रिइंफोर्समेंट हम सिर्फ क्या करते हैं, टेंशन जोन के लिए ये करते हैं, स्टील डिजाइन करते हैं। डबली रिइंफोर्समेंट में हम जो करते हैं वो टेंशन प्लस कंप्रेशन जोन बोथ के लिए करते हैं। साइड पे जब भी आप देखेंगे, सो दोस्तों यहाँ साइड पे आपको नीचे यहाँ बॉटम में भी आपको स्टील दिखेगा, टॉप में भी स्टील दिखेगा। सो हमने आपको क्लियरली बताया, जो टॉप में जो स्टील है वो 10 mm हम किसके लिए प्रोवाइड करते हैं, एंकरेज के लिए प्रोवाइड करते हैं। सो इससे आपको क्लियर हो गया कि कौन सा सिंगली रिइंफोर्समेंट है या कौन सा डबली रिइंफोर्समेंट है। जब आप साइड पे देखेंगे तो भी आपको क्लियरली मालूम चलेगा। सो
ये हो गया। दूसरा दोस्तों एक और कंडीशन है, अगर अगर आपका लिमिटिंग मोमेंट, अगर आपका जो रेजिस्टिंग मोमेंट है वो लेस देन जो है लिमिटिंग मोमेंट से है, तो आप जो है सिंगली रिइंफोर्समेंट जाएंगे, डिजाइन आप सिंगली रिइंफोर्समेंट के लिए करेंगे, सिंगली रिइंफोर्स के लिए डिजाइन करेंगे। अगर आपका लिमिटिंग मोमेंट जो है वो ग्रेटर देन है रेजिस्टिंग मोमेंट से, तो आप सिंगली रिइंफोर्समेंट के लिए जाएंगे। एंड